चैनल फोन वैजो, मेरा नाम है फ़हीम और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे अपने आईफोन पे दो व्हाट्सएप चला सकते हैं। तो अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड में आप सीधे गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ से आप पैरल्स पे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो है दो व्हाट्सएप तीन व्हाट्सएप चला सकते हैं। मगर आईफोन में ये पैरल स्पेस नहीं है, पैरल स्पेस जेल ब्रेकिंग फोन्स के लिए। तो जेल ब्रेक से अगर आपका फोन ख़राब होता है, आपकी वारंटी भी वाइड होती है, तो लोग अपना फ़ोन जेल ब्रेक नहीं करना चाहते। तो जो जो लोग अपना फ़ोन जेल ब्रेक नहीं करना चाहते और दो व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो अगर आप ऐप स्टोर में जाएंगे, वहाँ पर आप पैरल लिखेंगे तो आपको वहाँ पर एक ऐप मिल जाएगी जिससे दो व्हाट्सएप चला सकते हैं। मगर वो 500 रुपीज़ की है, उसका पता भी नहीं है कि वो ऐप असली है या नकली है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में आपके लिए मेथड लाया हूँ जहाँ पर आप दो व्हाट्सएप फ्रीली अपने फ़ोन में चला सकते हैं विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी चलते हैं हम सीधे अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर हम पहुँच गए अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ और अब हम सबसे पहले व्हाट्सएप प्लस प्लस लाने के लिए, और पहले आप तो अपना सीधा व्हाट्सएप लाएंगे, आपके ऐप स्टोर में आपको सीधा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो वहाँ से अपना व्हाट्सएप सिंगल लाएंगे और उसके बाद आप जाएंगे सफारी में, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है ट्विक बॉक्स ऐप की, वहाँ से ट्विक बॉक्स ऐप को डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड ऐप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके फ़ोन की सेटिंग्स में जाएगा और वहाँ पर आपको प्रोफाइल इंस्टॉल करनी है। प्रोफाइल इंस्टॉल करनी तो आपको आती होगी, तो फिर अपना पासवर्ड लिखना है और वो ट्विक बॉक्स है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने पहले से इंस्टॉल किया है तो मैं तो भी आपको दिखा दूँगी इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पासवर्ड लिखना है, तो ये हो गया मेरा पासवर्ड, और इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और डन पर क्लिक कर देना है। तो डन पर क्लिक करने के बाद जब होम स्क्रीन पर जाएंगे हमें वहाँ मिलेगी ट्विक बॉक्स की ऐप, तो फिर ट्विक बॉक्स की ऐप पर क्लिक करेंगे और थोड़ा टाइम वेट करेंगे ट्विक बॉक्स को लोड करने में। लोड करने के बाद ऐप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऐड आएगा जिसमें मैंने आपको बताता है ऐड आता है हमेशा ट्विक बॉक्स में। तो उसके बाद साइड को एक आपको एक आइकन दिखेगा, एक्स आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे जो ऐड है वो क्लोज हो जाए। क्लोज होने के बाद आप चाहेंगे ट्विकड ऐप्स पे, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं ट्विकड ऐप्स पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ ही जाएंगे, बैक जाएंगे, आप जाएंगे यहाँ पर, जी हाँ आप जाएंगे ट्विकड ऐप्स पे। ट्विकड ऐप्स पे आप नीचे जाएंगे तो आपको हम मिलेंगे व्हाट्सएप के कुछ टाइप्स, तीन टाइप्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं वेब सुई डुप्लिकेट और व्हाट्सएप प्लस प्लस। तो ये दो जो है इनका मैं श्योर रही हूँ इनकी सर्टिफिकेट वाइड भी हो सकती है, ये चले या ना चले ये मैंने टेस्ट नहीं किए हैं। मगर जो व्हाट्सएप प्लस प्लस इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स है और ये मैंने टेस्ट भी कर दिया है। तो आपको सीधे यहाँ पर व्हाट्सएप प्लस प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा और यहाँ पर आप इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे और व्हाट्सएप जो है वो आपका होम स्क्रीन पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर व्हाट्सएप प्लस प्लस को ओपन करेंगे। तो अभी मेरे पास तो वैसे और कोई दूसरी सिम तो है नहीं जिससे मैं रजिस्टर करूँ, तो भी तो मैं अपनी सिम से रजिस्टर करता हूँ। तो यहाँ पर हम अपना नंबर लिखेंगे, डन पर क्लिक करेंगे, तो फिर यस पर क्लिक कर देंगे। और व्हाट्सएप वेरीफाई तो करना आपको तो आता होगा, मगर जी व्हाट्सएप प्लस प्लस है तो इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी है। ये हमारा व्हाट्सएप का कोड आ गया, ये हमने अपना व्हाट्सएप का कोड लिख दिया। और थोड़ा टाइम होने के बाद स्किप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अगर आप अपना रिस्टोर करना चाहते हैं आई क्लाउड से तो कर सकते हैं, या तो स्किप पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपना नाम वाम चूज़ करना है, तो मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पर द फहीम। तो और यहाँ पर जो है व्हाट्सएप जो आपका बन चुका है। तो ये व्हाट्सएप प्लस प्लस है, इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स आप यहाँ देख सकते हैं डब्ल्यू प्लस प्लस सेटिंग्स, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको जो ऐड दिख रहा है यहाँ पर नीचे ये हटाने के लिए आपको हार्ट आइकन पर क्लिक करने के बाद ट्विक पर क्लिक करना है। और फिर ओके दबाने के बाद थोड़ा टाइम हो जाएगा, फिर यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक करिए और जो ये है ये बैन हट जाएगा। तो हटने के बाद उसमें आपको व्हाट्सएप प्लस उसमें एक फीचर मिलता है, आप अपना पासवर्ड भी रख सकते हैं। सीधे व्हाट्सएप में आपको ये नहीं मिलता, मगर व्हाट्सएप प्लस प्लस में आपको ये फीचर मिलता है और टच आईडी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगली बार जब अपना व्हाट्सएप खोलेंगे, व्हाट्सएप प्लस प्लस खोलेंगे, तो यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप प्लस प्लस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर सबसे पहले मेरे को मेरा पासवर्ड और या टच आईडी मांगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सएप प्लस प्लस टच आईडी या पासवर्ड भी लिख सकते हैं। तो और ये खुल गया टच आईडी से। तो उसके बाद यहाँ पर स्लैश मोड भी एनेबल कर सकते हैं, इससे जो है लोग आपका लास्ट सीन नहीं देख सकते मगर आप उनका सीन देख सकते हैं।
कर नीचे हम जाएंगे, यहाँ पर कस्टम टेक्स्ट आइकन देख सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट ब्लू कलर का है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं किसी भी कलर में, और कस्टम थीम भी इनेबल कर सकते हैं किसी भी कलर में। जैसे कि मैंने व्हाट्सएप को जो यहाँ पर देख सकते हैं थीम भी चेंज हो चुका है। तो इतना ही था इस वीडियो में, व्हाट्सएप हमारे पास प्योर व्हाट्सएप है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।